हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह एनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे नदियों के किनारे बसे भारतीय शहर, भारत के कुछ नगर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख शहर किस किस नदी के किनारे बसे हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीन शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगरा शहर और मथुरा, ये यमुना नदी के किनारे बसा है, और दिल्ली जो राज्य है ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है। तो आगरा, दिल्ली और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। प्रयागराज, जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, ये गंगा यमुना संगम पे बसा हुआ है, यानी यहाँ गंगा यमुना दोनों का मिलन होता है, इसलिए इसे संगम नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक और संबलपुर दो जिले ये महानदी के किनारे बसे हुए हैं। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ अलग अलग जिले हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिरोजपुर और लुधियाना ये भी अलग अलग जिले हैं, ये सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना और ऋषिकेश ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर, होशंगाबाद और गुजरात का भरूच जिला ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ और जौनपुर शहर ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान का कोटा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नूल जिला ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाराष्ट्र का नासिक जिला ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी जो राज्य है वो पणजी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्री रंगापटना और तिरुचिरापल्ली जो अलग अलग ज़िले हैं ये कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। गुजरात का जो सूरत शहर है वो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर बाबा महाकाल का मंदिर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। मालेगांव महाराष्ट्र का मालेगांव जिला ये गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का गृह जिला है, वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से 5 बार लगातार लोकसभा के सांसद हुए हैं। दोस्तों, ये रहे भारत के कुछ शहर और वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इस पर आज का हमारा वीडियो था। दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ, कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।